हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन, क्विल्टिंग और कुछ इस तरह की डिज़ाइन में है ना। और इसमें हमने 6 पॉकेट दी हैं। एक पॉकेट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, एक पॉकेट यहाँ है, दोनों सेपरेट हैं। दो पॉकेट यहाँ हैं, ये भी सेपरेट हैं। और एक पॉकेट यहाँ है और एक पॉकेट ये छोटी अंदर हमने दी हुई है। और इसमें काफ़ी स्पेस है, ये ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, शॉपिंग के लिए, हर जगह जाने के लिए काफ़ी उपयोगी है, यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 15x16 इंच का वन पीस प्लेन क्विल्टेड, 15x16 इंच का वन पीस प्रिंटेड क्विल्टेड, 8x16 का वन पीस प्लेन क्लॉथ, 8x16 इंच का वन पीस प्रिंटेड क्लॉथ, 16 इंच थ्री पीस जिप, 6 पीस रनर, 26 इंच टू पीस बेल्ट, 1 स्मॉल पॉकेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम 16x15 इंच के क्विल्टेड पीस से। ये हमारे पास प्लेन क्विल्टेड पीस है, प्लेन कपड़े का। इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, इसमें 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 8 इंच है, ये 7 इंच, ये 8 इंच, टोटल 15। अब ये जो 7 इंच पर हमने निशान लगाया है, इसको हम कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। तो नीचे जो 7 इंच वाला पीस है, इस पर हमें जिप लगाना है। सेवन इंच कट करके जो ज़िप लगाने का प्रोसीजर है, वो हमने सेम प्रिंटेड क्विल्टेड पीस में भी किया है। ये 8 इंच का पीस था और ये 7 इंच का पीस, इसको हमने यहाँ 7 इंच पे कट करके और इसमें भी ज़िप लगा दिया है। अब हमारे पास एक प्रिंटेड, एक प्लेन क्विल्टेड बिना ज़िप के हैं और एक में इसमें हमने ज़िप लगा दी। अब हमें करना क्या है कि दोनों को अदल बदल देंगे। एक प्रिंटेड और क्विल्टेड एक साथ लगा देंगे और एक प्रिंटेड क्विल्टेड एक साथ लगा देंगे। इस तरह से रनर डालने के बाद एक जो ऊपर 8 इंच वाला प्लेन पीस है, उसी का क्विल्टेड प्लेन, उसी का प्लेन पीस हम लेंगे और इसकी पॉकेट यहाँ पर बना देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हम इसको यहाँ से उल्टे साइड से जोड़ देंगे। इसको इस तरह से पलटेंगे और पैक कर देंगे। और इसमें यहाँ बीच में ये 16 है, तो इसका सेंटर निकालेंगे जिप हटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको डबल मशीन चला देंगे। यहाँ पर हमारी दो पॉकेट तैयार हो गई। ये लॉक इधर नहीं जाएगा, ये लॉक इधर नहीं जाएगा। यहाँ पे बीच में हमने 3-4 बार मशीन चला दी है, तो इस तरह से यहाँ पर दो पॉकेट मिल गई। और इसी प्रोसीजर में जो दूसरा पीस है हमारा प्रिंटेड वाला, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ये दो पीस हमारे सेम प्रोसीजर में तैयार हो गए। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार होंगे। एक प्रिंट नीचे जाएगा, एक प्रिंट ऊपर जाएगा। अब इसमें फिर हम मेजरमेंट करेंगे। जो ऊपर का 8 इंच वाला पीस है, उसका सेंटर निकालेंगे 8 इंच पर और यहाँ पर 3 इंच पर, टोटल 6 इंच पर गैप देते हुए दोनों में निशान लगा लेंगे। इसमें भी मैंने निशान लगाया हुआ है और इसमें अब हम बेल्ट लगा देंगे।
बेल्ट सेंटर में रखेंगे। अब एक जिप जो लास्ट बची है उसको भी इसमें हम 16 इंच वाली जो जिप है इसको लगा देंगे। और ये हमारी दोनों बेल्ट लग गई है। अब इसमें हम रनर डाल देते हैं। यहाँ पर रनर ऑप्शनल है, एक डालें दो डालें। और अब सबसे लास्ट में मैंने एक स्मॉल पॉकेट बताई थी जो अंदर लेडीज़ पसंद करती हैं कि बैग के अंदर एक इस तरह की छोटी स्मॉल पॉकेट होनी चाहिए, तो इसको हम इस तरफ लगाएंगे क्योंकि इस पे जो मशीन चलेगी तो इस कलर का धागा है जैसे कि आप देख रहे हैं क्विल्ट किया हुआ है, तो इस पर इस तरह से और कोई लाइन आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर बेल्ट के नीचे लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में रखते हुए मशीन चला देंगे। ये देखिए यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि अंदर छोटी पॉकेट है। अब फिनिशिंग देंगे इसको, पलटेंगे और तीन तरफ से पूरा इसको पैक कर देंगे। यहाँ पर हमारी डबल मशीन चलेगी, यहाँ पर आप अंदर पाइपिंग भी डाल सकते हैं। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा करेंगे और इस बैग की लुकिंग इस तरह से आएगी। और इसमें हमने टोटल 5 पॉकेट दी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, सॉरी 6 पॉकेट हमने इसमें टोटल बनाई हैं। तो ये था आज का हमारा सोबर सिंपल बैग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ यूज़फुल बैग लेकर आएगी। नमस्कार।